हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को टीवी के रिमोट से ऑडियो एम्पलीफायर बनाना। दोस्तों, ये है हमारा डीटीएच रिसीवर का एक रिमोट और इससे दोस्तों हम लोग दो ही कंपोनेंट्स निकालेंगे और एक्स्ट्रा हम लोग को लगेगा केवल एक ही कॉम्पोनेंट जो कि है एक 1 किलो ओम का रजिस्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, करता हूँ मैं अब स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू है दोस्तों S8050 8050 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको, इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से निकाल लेना है और यहाँ पे इसके बगल में आप कैपेसिटर देख रहे हैं, उस कैपेसिटर को भी हमें रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले रिमूव करता हूँ। इस ट्रांजिस्टर को रिमूव करने के बाद इस कैपेसिटर को मैं निकालता हूँ, ठीक है। और जो रजिस्टर लेना है दोस्तों, वो लेना है हमें 1 किलो ओम का। अगर आप 10 किलो ओम का लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम कम आएगी, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को मैं निकाल लिया हूँ। उसके बाद से इसको वायरिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इस ट्रांजिस्टर देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर में क्या करना है, इसके तीसरे वाले पिन में और बीच वाले पिन में, ठीक है। देखिए, ये जो तीसरा वाला पिन और बीच वाले पिन में 1 किलो ओम के रजिस्टर को जोड़ लेना है। तो दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पे इस तरह से मैं जोड़ लिया हूँ इस रजिस्टर को। और इसे यहाँ पे जोड़ने के बाद दोस्तों, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस कैपेसिटर का वैल्यू है दोस्तों 16 वोल्ट 22 माइक्रोफाराड। आप इसके जगह 16 वोल्ट 100 माइक्रोफाराड या तो फिर 25 वोल्ट 100 माइक्रोफाराड का कैपेसिटर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैपेसिटर के नेगेटिव को यहाँ पे देखिए, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, इस कैपेसिटर के नेगेटिव को इसके बीच वाले पिन में जोड़ लेना है हमें। इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन में हमें जोड़ लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ लिया हूँ और ये जो बगल में मैं रखा हूँ दोस्तों, ये हमारा स्पीकर। और इस स्पीकर को मैं लगाऊंगा इस एम्पलीफायर में और इसको मैं यहाँ पे लगा करके आप लोगों को बजा करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ। और इसे यहाँ पे जोड़ने के बाद दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो मेरा ऑक्स का वायर है, ऑक्स में यहाँ पे सिंगल चैनल का है दोस्तों, ठीक है, केवल लेफ्ट का है और एक है ग्राउंड का। तो एक ग्राउंड वाली वायर को हमें जोड़ना है, ऑक्स के ग्राउंड वाली वायर को हमें जोड़ना है इस ट्रांजिस्टर के पहले वाले पिन में। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों, ये जो एक ऑक्स वाली वायर जो इसका बच जाता है, उसको सोल्डिंग करना है हमें कैपेसिटर के पॉजिटिव में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्स का ग्राउंड वायर है वो मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ। और इसको जोड़ने के बाद ऑक्स का जो लेफ्ट वाली वायर है उसको जोड़ना है हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव में। तो दोस्तों, कैपेसिटर का पॉजिटिव है का वायर जो है ये है, और इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। उसके बाद से मैं आप लोगों को सोल्डिंग करने बताता हूँ ये जो स्पीकर का वायर है उसको कहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है स्पीकर का वायर, ये दोनों वायर जो है ये है हमारा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्डिंग करता हूँ एक इस जगह पे, ये जो ट्रांजिस्टर है उसके ट्रांजिस्टर के तीसरे नंबर वाली पिन में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक सोल्डिंग कर लेता हूँ। उसके बाद से एक स्पीकर का वायर कहाँ पे सोल्डिंग करना है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद से इसको यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों, अब हमें चाहिए इसका सोर्स। तो इसमें सोर्स में दे रहा हूं दोस्तों चार्जर से, चार्जर का पॉजिटिव नेगेटिव का मेरा ये है, जो कि आप इसमें बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें दे रहा हूं मैं दोस्तों 5 वोल्ट इनपुट। तो 5 वोल्ट के इनपुट को जोड़ना है, जो व्हाइट वायर है ये हमारा ग्राउंड चार्जर का, इस ग्राउंड वाली वायर को हमें जोड़ना है जो कि बैटरी का नेगेटिव है, ठीक है। और जो कि हमें जोड़ना है दोस्तों इस जगह पे पिन पहला में, ट्रांजिस्टर के पहले नंबर पिन में। तो मैं इसको यहां पे सोल्डिंग कर लेता हूं। इसको यहां पे सोल्डिंग करने के बाद ये जो एक वायर बच गई है, ये जो ये वायर बच गया है, इसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग करना, ठीक है। स्पीकर के एक जो वायर छूट गया था उसके चार्जर के पॉजिटिव वाली वायर से हमें सोल्डिंग कर लेना। देखिए दोस्तों, स्पीकर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये 100% वर्क करता है, ये फेक वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद से अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। ये हमारा एम्पलीफायर का सर्किट, और मैं अब देखिए, देखिए दोस्तों ये वर्क कर रहा है, देखिए ये दोस्तों ये फुली वर्क करता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आप लोगों को म्यूजिक चेंज करके भी सुना करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये जो है इस प्रकार से वर्क करता है दोस्तों, 100% ये वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं और ऐसा ही एम्पलीफायर या इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।